प्रदेश की हर न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को दबाएं और हमारी खबरें आपको कैसी लगी इसका सुझाव देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। समग्र शिक्षा विभाग द्वारा आंगनवाड़ी वर्करों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। इस शिविर में मास्टर ट्रेनर द्वारा आंगनवाड़ी वर्करों को यह सिखाया गया कि खेल खेल में किस तरह से 1 से 6 साल तक के बच्चों का मानसिक व बौद्धिक विकास किया जा सकता है। आज 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का अंतिम दिन था और अंतिम दिन आंगनवाड़ी वर्करों को उन सभी पहलुओं से रूबरू कराया गया जो कि आंगनवाड़ी वर्करों के कार्य क्षेत्र में आते हैं। मास्टर ट्रेनर रजनी ने बताया कि सभी आंगनवाड़ी वर्करों को यह सिखाया गया है कि किस तरह से खेल खेल में बच्चों का मानसिक व बौद्धिक विकास किया जा सकता है। दिव्यांग बच्चों के लिए भी आंगनवाड़ी वर्करों को तैयार किया गया है और यह बताया गया है कि उनकी देखभाल किस तरह की जा सकती है। मैम बताएंगे, जो समग्र शिक्षा विभाग द्वारा जो ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है 5 दिन का, तो उसमें क्या विशेषता रही, क्या किस तरह से आपने इनको ट्रेंड किया है? देखिए, जो 5 दिवसीय जो ये कैंप रहा, इसमें हमने आंगनवाड़ी वर्कर्स है जो 0 से लेकर 6 वर्ष तक की जो बच्चे होते हैं उनके साथ ये इंटरेक्ट करती हैं। तो इसके थ्रू हमने इनको ट्रेनिंग दी कि क्या इन बच्चों की समस्याएं होती हैं, आपकी आंगनवाड़ी में ये बच्चे आ जाते हैं तो आपने कैसे उन बच्चों के साथ संबंध बनाने हैं, किस प्रकार से उनको शिक्षाएँ देनी है, और शिक्षाएँ दे करके आपने उन बच्चों को जो समावेश एक समावेशन का तरीका जो दिव्यांग बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है, वो दिव्यांग बच्चों को इंक्लूजन सभी और सामान्य बच्चे हैं उनके साथ कैसे कर सकते हैं, उनका टीचिंग मेथड क्या होगा, ये हमने सारी बातें उनको बताई। और इन ट्रेनिंग के दौरान इन्होंने हमारे साथ जो अंतर की क्रियाएं हैं वो भी की, और अंतर क्रियाओं के बाद इन्होंने ये जाना कि समावेशन क्या होता है और कैसे हम दिव्यांग बच्चों को शिक्षा दे करके सामान्य बच्चों के साथ समाज की मुख्यधारा में जोड़ सकते हैं। इसके साथ ही जैसे आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनकी बहुत सारी समस्याएं रही, उनको जानकारी नहीं थी कि कैसे हम इन बच्चों को शिक्षित करें और किस कितने प्रकार की विकलांगताएँ होती है। तो हमने इन बच्चों जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको बताया कि RPWD एक्ट उसके तहत 21 प्रकार की अब विकलांगता की श्रेणियाँ बन गई हैं और इन श्रेणियों के तहत जो 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 बच्चों की विशेषताएं हैं वो हमने इनको बताई कि इस प्रकार की समस्याएं यदि बच्चों के अंदर पाई जाती है तो कैसे आपने उसकी पहचान करनी है। उनके माता पिता यदि अपने बच्चों को लेकर के आपसे कोई प्रश्न करते हैं तो आपने उनका जो निर्देशन है, उनका परामर्श है कैसे उनके साथ करना है, और आपने अपना टीचिंग का तरीका कैसे उन बच्चों के साथ अपनाना है ताकि वो बच्चे भी सामान्य बच्चों के साथ सीख करके इस समाज का एक प्रोडक्टिव पार्ट बन सके। ये सारी बातें हमने इनको सिखाई और सिखाने के पश्चात अब ये सक्षम है कि हाँ, हम इन बच्चों के साथ जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी सामान्य बच्चों के साथ हम अच्छे से पढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही हमने जैसे पाठ्यक्रम इन बच्चों का क्या होना चाहिए और सामान्य बच्चों का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए और किस प्रकार से हम उनको सीखने के लिए एक्टिवेट अच्छे से कर सकते हैं, हमने बताया कि 5 इंद्रियों का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर करके किसी भी विषय पर अच्छे से अधिगम कर सकते हैं और वो अधिगम दीर्घकालिक भी होगा। तो ये सारी बातें हमने मैंने एज ए मास्टर ट्रेनर इन जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं इनको बताई और इन्होंने बड़े अच्छे से सक्रिय होकर के इसमें भाग लिया। तो एक कुपोषण की समस्या होती है जो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर होती है, तो उसके बारे में बताया। ग्रामीण क्षेत्र में इनकी समस्या ये थी कि जैसे आंगनबाड़ी में बच्चे, एक तो जो पेरेंट्स है वो अवेयर नहीं है कि उनके पास बच्चे छोड़ करके नहीं जाते हैं, और वो छोड़ करके जाएंगे ना ही, तो उनके छोड़ के भी जाते हैं तो उनकी अच्छे से केयर नहीं करते, उनको बता भी दिया जाए। मान लो अब दिव्यांग बच्चों से जुड़ी हुई बात थी, एक आंगनबाड़ी वर्कर ने बताया कि उनके पेरेंट्स ना, एक तो उनको छोड़ करके हमारे पास जाते नहीं है, हम उनको कैसे पढ़ाएं, कैसे उनको वो कराएं, ये उनकी मुख्य समस्या रही। और बच्चे हमारे पास आ भी जाते हैं तो जैसे हम उनके पेरेंट्स को ये बताते हैं कि भाई आपके बच्चे के अंदर ये समस्या है, आप पहले इसको डॉक्टर के पास दिखा लीजिए, लेकिन उनकी ये विचारधारा बनी हुई है कि नहीं, मेरे बच्चे को ये वैसे समस्या कोई नहीं है, बस ये तो वैसे ही है, हम इसको किसी भी जो ये तांत्रिकों वाली जो उपचार है उसके थ्रू इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये मेन समस्या रही इनकी कि हम इससे कैसे काबू पाए।
तो उसके बारे में भी अवेयर किया आपने? हाँ जी, हमने उनको अवेयर किया कि ये चीज़ें जो हैं ये पहले जो अवधारणा थी लोगों की बनी हुई है, लेकिन आज के समय में हम इन चीज़ों को अच्छे से इनका अर्ली आइडेंटिफिकेशन करके और केवल चिकित्सा पद्धति द्वारा ही हम इसमें सुधार कर सकते हैं, इन पे काबू पाया जा सकता है और शिक्षा प्रणाली के थ्रू ही उनमें हम सुधार कर सकते हैं। बच्चों को उस शिक्षा के जरिए ही हम जो है पढ़ा लिखा करके उनको समाज की मुख्यधारा में जोड़ सकते हैं, इसका कोई और घरेलू या कोई और तांत्रिक उपाय नहीं है। वहीं आंगनवाड़ी वर्करों ने यह भी बताया कि यहां आकर उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है और जिस तरह से यहां पर मास्टर ट्रेनर ने उन्हें बारीकी से समझाया है उससे वह बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। साथ ही उन्होंने सरकार के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम निरंतर होने चाहिए जिससे कि उन्हें भी कुछ सीखने को मिल सके। नमस्ते सर, मेरा नाम प्रतिभा, आंगनवाड़ी वर्कर हूँ, गाँव वजीरपुर से, कोड नंबर 116 है मेरा। और यहाँ पे समग्र शिक्षा अभियान के तहत मैं यहाँ आई हूँ और यहाँ जो सीखने को मिला है मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो विकलांग बच्चों के बारे में मेरे को बहुत कम नॉलेज थी, जो यहाँ के बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ी है मेरी। मेरे एरिया में भी 2-3 विकलांग बच्चे हैं जिनका आगे जाके मेरे को रजिस्ट्रेशन करवाना है, जो घर में ही रहते थे और अब उनका स्कूल में रजिस्ट्रेशन करवाना, और जो सरकार उनको लाभ दे रही है उनको लाभ भी दिलाना है। और आगे जाके छोटे बच्चों के बारे में भी बहुत ज़्यादा ज्ञान बढ़ा है मेरा, कि पहले मेरे क्लास अच्छी चलती थी लेकिन अब इनके द्वारा बताए जाने के बाद भी मेरी मतलब और ज़्यादा ज्ञान वृद्धि हुई है और ज़्यादा उनको अच्छे से शिक्षा दे पाऊँगी और उनका वजन वगैरह सब अच्छे से कर पाऊँगी। तो समग्र शिक्षा विभाग का जो प्रयास है किस इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जो समग्र शिक्षा का प्रयास है मतलब बच्चों की और ज़्यादा सीखने के अवसर प्रदान करना और बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाना समाज के लिए, यही। मेरा नाम सुनीता है, मैं भाद्रगढ़ अर्बन से आंगनबाड़ी वर्कर हूँ। मेरा जो सेंटर है वो तबेली स्कूल में है और मैं यहाँ भाद्रगढ़, मेरा 5 दिन का सेमिनार था ये। अगर तो समग्र समग्र शिक्षा के अभियान से है और ये गवर्नमेंट स्कूलों में जो हमारी आंगनबाड़ी चली हुई है उनके बच्चों को या वहाँ पर जो आंगनबाड़ी सेंटर में जो गर्भवती माताएं आती हैं उनको सिखाने के लिए हमारा ये 5 दिन का सेमिनार था। इस सेमिनार में मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। जो सुरेंद्र जी थे हमारे सर, जो मदन चोपड़ा बीओ साहब जी थे, और ये मैडम हैं धनवंतरी जी हैं, रेणू हैं, इन्होंने, ललिता मैडम हैं, इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। इसके जरिए हम जा करके अपने आंगनबाड़ी सेंटर में अपने जो हमारे पास बच्चे आते हैं 3-6 साल के और जो 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं, हम उनको अपने प्रयासों से बहुत कुछ सिखाएंगे। इस ट्रेनिंग के दौरान हमें विकलांगता का 0 से 6 माह के बच्चे उनके अंदर कौन कौन से विकास होते हैं इन सब के लिए हमने बहुत यहाँ कुछ सीखने का अवसर प्रदान हुए हैं। हम जा करके अपने आंगनबाड़ी सेंटर को, मैं आशा करती हूँ कि मैं वहाँ जा करके जैसे मैंने यहाँ ट्रेनिंग ली है इससे मुझे वहाँ बढ़ावा देने के लिए, बच्चों को उत्साहित करने के लिए मौका मिलेगा। मेरा नाम अन्नू है, गांव कोंद्रावाड़ी से आंगनवाड़ी वर्कर प्रोक्सलावास से हूँ। मैं GPS कोंद्रावाड़ी। सर मैं ऑलरेडी प्ले स्कूल चला रही थी और अभी मुझे जो ये समग्र शिक्षा अभियान के तहत गवर्नमेंट की जो इतनी अच्छी स्कीम है, मुझे जो ये ट्रेनिंग दी गई है इससे मुझे बहुत फ़ायदा होगा, मेरा भी और बच्चों का भी, क्योंकि मुझे वो नॉलेज यहाँ से बहुत अच्छी मिली है कि मैं आगे उन बच्चों को और भी अच्छा पढ़ा सकूँ जो मैं अभी पहले कर रही थी। अभी जैसे खेल खेल में कैसे एक पोएम को हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कैसे पोएम को घटा सकते हैं, और जैसे जो विकलांग बच्चे हैं उनको मैं कैसे मोटिवेट कर सकती हूँ और उनके पेरेंट्स को कैसे समझा सकती हूँ कि आपके बच्चे में ये दिक्कत है और आप इसको मतलब इस तरह से आप इनको वहाँ पर ले जाइए या फिर उनका इस तरह से ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ मिली है सीखने के लिए। तो मुझे ये सरकार की जो स्कीम है बहुत अच्छी लगी, मैं चाहती हूँ कि ऐसे कैंप आगे भी चले। मुकेश जी, GPS स्टूडेंट से जी, सलवास फिलोक जी, मेरे को इस ट्रेनिंग से इतना फ़ायदा हुआ है कि जैसे 0 से 6 साल के बच्चों को जी खेल खेल में हम इतनी शिक्षा दे सकते हैं, इधर की ट्रेनिंग से हमारे को बहुत कुछ मिला जी। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये मिला जी, बच्चा जब सोता है ना उसको आधे घंटे तक हमारे को इधर से मिली है जो ट्रेनिंग, आधे घंटे तक उसका ब्रेन इतना काम करता है कि बच्चे को जो कुछ हम बताएंगे बच्चे को 90% बच्चा वही आगे जाके बढ़ता है। जैसे बच्चे को हम बोलेंगे बेटा आपको डॉक्टर बनना है, बेटा आपको इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, जैसे भी हम बच्चों को बताएंगे, सबसे ज़्यादा मतलब बच्चे को छोड़ने के आधे घंटे तक, उसके बाद बताएंगे तो बच्चे का माइंड
सो चुका है, उससे पहले हमने इससे हमारे को कैंप से बहुत ज़्यादा मतलब ये मिला है जी, बच्चे को खेल खेल में कैसे हमारे को शिक्षा देनी है, बच्चे को कैसे बैठना हर चीज़, मतलब इससे हमारे को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ जी। ऐसे ऐसे कैंप में तो ये बोलती हूँ जी बार बार लगने चाहिए, हमारी सब बहनों को ये शिक्षा मिलनी चाहिए, इससे हमारे को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ जी, धन्यवाद। वही समग्र शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी ने बताया कि यह 5 दिवसीय कैंप आंगनवाड़ी वर्करों के लिए लगाया गया था जो कि ग्रामीण वन क्षेत्र में काम करती हैं। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से बच्चों का रखरखाव किया जाता है और दिव्यांग बच्चों के लिए खास तौर पर मास्टर ट्रेनर बुलाए गए थे। उन्होंने आंगनवाड़ी वर्करों के लिए अहम बिंदु पर प्रकाश डाला। सर बताएंगे जो समग्र शिक्षा विभाग द्वारा जो आयोजन कराया गया आंगनवाड़ी वर्करों के लिए जो ट्रेनिंग दी गई है, तो उद्देश्य क्या था इसका? इसका मेन उद्देश्य था जो बच्चे 0 से 3 साल के हैं, जब उनका केयर करते हैं तो कई बार क्या होता है कि उसके माँ बाप को पता नहीं चल पाता कि उनके लक्षण का, यहाँ उनको आंगनवाड़ी वर्कर्स को लक्षण बताए गए हैं कि भाई जो आगे जाके डिसेबिलिटी का रूप ले लेते हैं, तो उसको पहले ही प्री क्वेश्चन वो ले लें, पूरे प्राइमरी लेवल पे ही उनको पहचान लें ताकि उनका आगे ट्रीटमेंट किया जा सके। दूसरा भी कैसे बच्चों का इंटरेस्ट है ना, कैसे वो पहचाने और कैसे उनको खेल खेल के नई 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 टेक्निक्स के द्वारा उनको सिखाएं, बजाय रटने की उनको सिखाया जाए ताकि वो जाके आगे तक वो उनको याद रख सके उन चीज़ों को। और दूसरा फिर क्या था, इस जो हमारे आंगनवाड़ी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर केंद्र बने हुए हैं उनमें जो बच्चे आते हैं, फिर ताकि हम उनको यहाँ से पेरेंट्स का को विश्वास में लेकर उनको आगे भी गवर्नमेंट स्कूलों में इनका एनरोल करा सकें। और इससे जो सरकार ने ये जो नीति चलाई जो आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग देने की, ये सभी जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स यहाँ वर्कशॉप में आई हैं, सभी ने इसको सराहा है और काफ़ी इसकी तारीफ की है। भविष्य में भी उन्होंने कहा कि इस तरह के कैंप आयोजित होने चाहिए ताकि हमारा भी विकास हो सके, ताकि हम उन पॉलिसियों को, सरकार की पॉलिसियों को भी और हम एक दूसरे से जो जान सकें वो बच्चों के अंदर भी हम इम्प्लीमेंट कर सकें। आज ये हमारी 5 दिवसीय जो कार्यशाला है, आज इसका आखिरी दिन है। आज हमारे डीपीसी सर मदन सिंह चोपड़ा जी इनका समापन करेंगे और लास्ट डे है सर। जिस तरह से समग्र शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार की यह पहल देखने को मिली है कि आंगनवाड़ी वर्करों को ट्रेन किया जा सके, जिसका फायदा उन बच्चों को मिले जो दिव्यांग हैं, 6 से कम उम्र के हैं, उन्हें खेल खेल में किस तरह से पढ़ाई की ओर अग्रसर किया जा सके जिससे कि उनका मानसिक व बौद्धिक विकास हो। जज्जे से संजना छावड़ा के साथ संजय थरान की रिपोर्ट, हर न्यूज हरियाणा।